कीवी यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही है और थैंक गॉड कि आज अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। उसका फेवरेट है दही चावल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट पे वेलकम करती हूँ। और मिनी व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह ही, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, फ्रेंड्स मजे में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे, और हम भी आपकी दुआओं से एकदम परफेक्टली ऑल राइट हैं। मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरा वीडियो देख सकें। अगर वीडियो पसंद करते हैं तो उसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज संडे है, मॉर्निंग है, यानी कि बजे हैं 8 बजे हम तैयार हो गए हैं, क्योंकि रात में हम डिनर नहीं करते तो बड़ी भूख लगती है। तो एज यूजुअल जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और फिर जाएंगे चर्च, और जो भी आज का रूटीन होगा इस मिनी ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी, छोटी छोटी क्लिप्स दूंगी। और ये है मेरी कीवी, इंतजार कर रही है कि हम यहाँ से निकलें, इसको एक ट्रीट मिले और ये उस ट्रीट का आनंद ले सके। तो चलिए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, हो गया है मैकडोनल्ड से हमारा ब्रेकफास्ट, और आज मैं शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि म्यूजिक की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही है और मेरा कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, चलते हैं आगे चर्च। आज तो थोड़ा रोड खाली लग रहा है, आज हम थोड़ा जल्दी आए ना। हाँ, जल्दी भी है, सही बात है। ये रोड है कितनी मस्त ना एकदम। आज तो फ्रेंड्स मैंने चर्च का भी दिखाया, क्वायर के बच्चे इतना अच्छा गाना गाते हैं, मज़ा आ जाता है का। और मैंने थोड़ा सा क्लिप भी लिया है जो स्पेशल सॉन्ग गा रहे थे, मस्त होके गाते हैं, इतना अच्छा लग रहा था। सैम, आप लोग को अच्छा लग रहा था ऑल्टर पे? बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम आए हैं स्टारबक्स, और बहुत दिनों के बाद, शायद पूरे एक साल के बाद मैं स्टारबक्स आई हूँ। आज गर्मी बहुत है, तो फिर मैंने बोला, सवाल करा मैंने सैम से, कहा कि चलो आज एक एक स्टारबक्स हो जाए। तो आज हम अभी इधर कॉफ़ी पीने आए हैं। संगम कोटियाड है, बहुत अच्छा है, पहले इनका मूवी थिएटर था और अभी इन्होंने तोड़ताड़ के अभी ये संगम कोटियाड बनाया है। बहुत दिनों पहले से बनाया होगा, हमें तो अभी पता पड़ा है। यहाँ पर बहुत स्टारबक्स पड़ा है, तो अभी हम यहाँ पर आए कॉफ़ी पीने के लिए, थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा ब्लॉग में बोल भी देती हूँ, म्यूज़िक बज रहा था तो मैंने स्टारबक्स वालों से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ म्यूज़िक बंद कर दो, नहीं तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। तो उन्होंने म्यूज़िक को बंद करा और मैंने कहा चलो मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करती हूँ कि आज तो चर्च में मज़ा आ गया। जब हम छोटे छोटे थे ना फ्रेंड्स, तो हमारे फादर जो थे उनको भी बहुत शौक था, मैं और मेरी सिस्टर स्पेशल सॉन्ग गाए, और लोग बहुत स्पेशल सॉन्ग चर्च में गाते थे, लोग बहुत इन्जॉय करते थे। आज हम बहुत इन्जॉय करते हैं इतने छोटे छोटे बच्चों का गाना सुनकर। तो आप भी सुनिए और बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़कर फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, बाप रे। अभी क्या 1:30 हुआ है ना, नहीं 1:30 भी नहीं हुए, 1:10 हुए हैं, और इतनी गर्मी है, बाप रे। पेड़ पौधे भी इतने ग्रीन नहीं लग रहे ना, ये ग्रीन तो लग रहे हैं लेकिन कितनी धूप है ना, कितना चमक रहा है ना, इसे कुछ ज्यादा ही चमक रहेगा। और कल कोई बता रहा था कि इस बार गर्मी भी बहुत पड़ने वाली है, अरे भैया इतनी सी गर्मी में हाल खराब है। तो आगे देखो क्या होता है। समीशा क्या बन रहा है? मैं बना रही हूँ मटन कोरमा, चर्च से आने के बाद रोनी और आपने मेरी क्लास लगा दी कि भैया अच्छा सा बनाओ, तो मटन कोरमा। हाँ, और साथ में अभी आटा गूंदूंगी। नहीं आटा नहीं गूंदना, मैं करीम की रोटी मंगवा तो ऐसा लगेगा करीम का कोरमा। क्या बात है, क्या फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ मटन कोरमा और देखो कैसा बनता है। बेटे ने पहले अल्टीमेटम दे दिया कि मम्मा अच्छा बनाना,
बहुत दिल कर रहा है मटन कोरमा खाने का, और सोने पे सुहागा से हमने बोला है कि करीब की रोटी मैडम मंगाएंगे, तो अभी मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बस कोरमा बन जाए फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा कोरमा रेडी हो गया, करीम से रोटी आ गई, अब बज रहे हैं 3:30। 3:30 बजे तक मैंने अपना खाना रेडी करा है, हम आए थे 1:30 अपने घर पहुंचे थे और खाना बनाना मैंने 2 बजे शुरू करा था। तो इस तरीके से आज का खाना है कोरमा और करीम की रोटी, साथ में है लच्छेदार प्याज, और खाना खाते हैं। और इसी के साथ इसी लंच के साथ यानी कि कोरमा के साथ मैं आज का मिनी व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।